हेलो दोस्तों, कल खेला गया चेन्नई सुपर किंग्स बनाम गुजरात टाइटंस के बीच में एक घमासान मुकाबला। ये क्वालिफायर बहुत ही ज्यादा तगड़ा देखने को मिला। इसमें गुजरात को 15 रनों से एक बहुत ही शर्मनाक हार का सामना करने को पड़ा। मैं माना जा रहा था कि गुजरात टाइटंस जीत के अहमदाबाद का टिकट काट लेगा, लेकिन गुजरात टाइटंस को अभी करना पड़ेगा वेट, क्योंकि गुजरात टाइटंस चुका है हार, वो भी चेन्नई सुपर किंग्स के। तो बात कर लेते हैं अब आगे के बारे में। आज जो मुकाबला होने वाला है वो होने वाला है मुंबई बनाम लखनऊ के बीच। ये मुकाबला भी इसी तरीके से घमासान देखने को मिल सकता है। इस मैच में भी इंटरटेनमेंट भर भर के मिलेगा आप लोगों को। बात करेंगे आज इस वाले मैच के बारे में। तो आप भी अगर MS धोनी को मानते हैं एक महान खिलाड़ी, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बात कर लेते हैं मैच के बारे में। तो ये मैच खेला गया गुजरात टाइटंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में। इस मैच में गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। गुजरात टाइटंस ने बल्लेबाजी करते हुए बना दिया 172 रन। चेन्नई को टोटल दिया 173 का। 173 का टोटल डिफेंड करने के लिए बॉलिंग में अपनी बहुत ही ज्यादा सुधार करना था गुजरात टाइटंस। चेन्नई सुपर किंग्स जब बैटिंग करने के लिए आए तो चेन्नई सुपर किंग्स से बना दिया 173 रन। 173 बनते ही गुजरात पहुंच गया है क्वालिफायर 2 में, और चेन्नई पहुंच गया है अहमदाबाद का टिकट लेके फाइनल में। तो बात करेंगे सेकंड मैच के बारे में। तो वो खेला जाने वाला है मुंबई इंडियंस बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में। ये मैच भी आपको घमासान देखने वाला मिलेगा। आप भी है हमारी तरीके से धोनी के फैंस, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।